बाद में दिखाएंगे, सबसे पहले जो राजाओं का शौक वाली गाड़ी होती थी ना, वो मैं दिखाने वाला हूँ, जो कि सामने खड़ी है रोल्स रॉयस। तो ये इस तरीके की, मान लीजिए ये मेरी भाई बहुत पसंदीदा की गाड़ी है, अब सवारी करने को नहीं मिलने वाली क्योंकि ये कम्प्लीटली बंद हो चुके हैं। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल 100 मेंबर में, और आज हम लोग आ चुके हैं हरियाणा। हरियाणा में जो कि हमारे भारत का एक इकलौता ऐसा ट्रांसपोर्ट म्यूजियम है, तो वहां पर आ चुके हैं, और इसको हम बोलते हैं हेरिटेज ट्रांसपोर्ट म्यूजियम, जो कि भारत का इकलौता ट्रांसपोर्ट म्यूजियम है, और कोई भी ऐसा ट्रांसपोर्ट म्यूजियम नहीं, जो कि बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, बहुत सारी व्हीकल्स के बारे में, सारा जितनी भी ट्रांसपोर्ट की चीज़ें होती हैं वही सब दिखाया गया है, जो कि बहुत ही अच्छा है। तो अभी हम लोग आज अंदर चलने वाले हैं, अपने साथ में आपको भी मैं दिखाता हूँ। और सबसे ज़्यादा की चीज़ है यहाँ की जो लाइट है ना, वो बहुत ज़्यादा फेमस है, वो शाम के हुई मैं दिखा सकता था, इसी वजह हम लोगों ने रुक कर यहाँ पर शाम का इंतज़ार किया, और अभी ये लाइट जल रही है जो कि आप लोग देख सकते हैं, जो कि बहुत बेहतरीन सी लग रही है। ट्रांसपोर्ट म्यूजियम के बाहर सबसे पहले मुझे क्या दिखा, रेलवे, रेल की गाड़ियाँ दिखी, और रेल की गाड़ियों में सबसे पहले मुझे स्टीम इंजन दिखा, जो कि सामने आप लोग देख सकते हैं। आज हम लोग आ चुके हैं भारत के इकलौते ट्रांसपोर्ट म्यूजियम में, जो कि बहुत सारी 500 साल, 600 साल, 700 साल ईसा पूर्व जो चीज़ें हैं वो आज हम आपको दिखाने वाले हैं। तो चलते हैं अभी हम लोग अंदर की तरफ, और भी हम बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें हम आपको दिखाने वाले हैं, तो अभी हम लोग चलने वाले हैं, तो चलते हैं। आ चुके हैं जहाँ पे सबसे पहले पहिए का आविष्कार हुआ, उसके बाद में धीरे धीरे उस पहिए में कैसे डेवलपमेंट हुआ, कैसे चीज़ें बढ़ती गई, कैसे चीज़ें इंक्रीज होती गई, तो सबसे पहले अब हम लोग वहाँ पे आ चुके हैं। तो अभी हम लोग आते दिखाते हैं। तो ये जैसा कि देख रहे हैं आप लोग, जैसे सबसे पहले यहाँ से हम लोगों ने स्टार्ट किया था अपनी जर्नी, तो यहाँ से स्टार्ट किया था, पहले ये हुआ, उसके बाद में कुछ डेवलपमेंट करके ऐसा हुआ, उसके बाद में फिर ये ऐसा हुआ, तो धीरे 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 चल करके हम लोग एक आज की जो आधुनिक आधुनिक जो टेक्नोलॉजी है वो आज हम लोग यहाँ तक आ चुके हैं, और भी इससे भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हम लोग आगे बढ़ चुके हैं। तो और भी ऐसी जी चीज़ें हैं जो कि अब हम आगे और दिखाने वाले हैं। तो जैसा अभी हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़े ही थे, तो जैसे हमको यहाँ पर दिखा एक बर्ड कार्ड, जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का था, जो कि 1000 ईसा पूर्व पहले का था, जो कि पाकिस्तान से इसको यहाँ पर लेके आया, जो कि हमें यहाँ पर इसको म्यूज़ियम में संभाल के रखा गया है, जो कि ये कितना बहुत बेहतरीन तरीके से इसको, कितना अच्छे से इसको रखा गया है, संजो के रखा गया है, बाद में दिखाएंगे। सबसे पहले जो राजाओं का शौक वाली गाड़ी होती थी ना, वो मैं दिखाने वाला हूँ, जो कि सामने खड़ी है रोल्स रॉयल। ये देख लीजिए आप लोग सामने, हॉर्स पावर लिखा हुआ है 2225, जो कि 1934 ये गाड़ी है। ये आप लोग देख सकते हैं कितनी बेहतरीन सी लग रही है, और यहाँ पर एक नहीं दो, एक पीछे भी है, पीछे भी है एक गाड़ी जो कि फोर्ड की है। चलिए आप लोग ये भी देख सकते हैं, थोड़ा सा इंटीरियर आओ मैं इंटीरियर दिखाता हूँ, आप इंटीरियर भी देख सकते हैं किस तरीके से, कितने बेहतरीन तरीके से इंटीरियर बनाया गया है। और ये जो हमारा पार्ट होता था, जो इंजन का पार्ट होता था, इस तरीके का होता था। ये नहीं कहते हैं कि जो सबसे ज़्यादा फेमस ना गाड़ियाँ होती है ना, तो इसको जिस तरीके से बोल सकते हैं हमारा डिग्रो है। तो ये इस तरीके की, मान लीजिए ये मेरी भाई बहुत पसंद मेरी की गाड़ी है, जो कि बहुत ही ना मुझे टच करने को मिले या मुझे बैठने को मिले ना, तो मैं बैठ जाऊँगा, लेकिन यहाँ पे अलाउ नहीं है म्यूज़ियम में किसी भी चीज़ को टच करना, तो इसीलिए हम रूल को नहीं ब्रेक करेंगे, पूरे रूल को फॉलो करेंगे। तो अभी हम कुछ भी नहीं टच करने वाले हैं, तो और भी दिखाते हैं। और एक और मेरी सबसे फेमस कार है, वो मैं दिखाने वाला हूँ आपको, ये देखिए, ये देखिए भाई, जो कि बहुत ही बेहतरीन कार है, और क्या बताऊँ मैं, अब आप लोग देख सकते हैं कितनी बेहतरीन है, कितने अच्छे से रखा गया है, इसी वजह से इसको म्यूजियम बोलते हैं। म्यूज़ियम का मतलब ही यही होता है कि जो सदियों से चले आने वाली परम्परा, जिसको हम उसको सजा के रखें और उसको मेनटेन करके रखें, तो वही है जो कि मुझे यहाँ पर दिखता है, और बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ पर आज आकर। यहाँ पे फोर्ड की गाड़ियाँ हैं, ये सामने लिखा हुआ है, देखिए फोर्ड पार्ट ऑफ, ये सामने लिखा हुआ है, जो इतनी भी गाड़ियाँ हैं, ये देखिए वो बड़ा सा लिखा हुआ है, बड़ा सा स्टिकर लगे हुए हैं। तो अभी और हम लोग आगे चलने वाले हैं, तो अभी मर्सिडीज़ की भी एक गाड़ी दिखी थी, तो मैं एक मर्सिडीज़ की भी दिखाने वाला हूँ। तो आइए मैं पहले मर्सिडीज़ की एक गाड़ी दिखाता हूँ। तो फाइनली हम लोग आ चुके हैं मर्सिडीज़ के पास, तो अभी हम लोग दिखाने वाले हैं, ये सामने खड़ी है जो कि मर्सिडीज़ है, तो आप लोग देख सकते हैं
और भी बहुत सारी व्हीकल्स हैं, तो अभी मैं और बहुत सारी व्हीकल्स आपको दिखाने वाला हूँ। तो अभी मर्सिडीज, अभी इसके बाद में और भी व्हीकल जो भी दिखेंगे। आए हैं म्यूजियम में और लंबी कार ना देखने को मिले तो ऐसा हो भी नहीं सकता था। तो अभी आए हम लोग देखने के लिए और कितनी लंबी किसी व्हीकल्स हैं जो कि आप लोग देख सकते हैं सामने, जो कि बहुत लंबी व्हीकल है। और ये दूसरी बात ये है, मैं यहाँ पर आया हूँ इतनी दूर से ट्रेवल करके, ठीक है 200 किलोमीटर 300 किलोमीटर ऐसा। अभी तो मैं लास्ट में दिल्ली में ही था, तो दिल्ली से तो पास में ही पड़ता है 70-75 किलोमीटर, लेकिन उससे पहले मैं यूपी का हूँ, मैं यूपी से आया हूँ, मैं तुमको फ्री में दिखा रहा हूँ। तो इसीलिए सब लोग क्या करना है, लाइक करना है, एक बार वीडियो को जरूर देखिए, ठीक है। तो अभी मैं आपको फ्री दिखा रहा हूँ, तो सभी लोग पहले देख सकते हैं, मैं तो देख ही रहा हूँ, मैं यहाँ का आनंद उठा रहा हूँ, यहाँ का पूरा इन्जॉयमेंट कर रहा हूँ। तो आप लोग मेरे साथ, आप लोग भी इन्जॉयमेंट करिए और गाड़ियाँ देखिए। चलो आगे, लेट्स नो, नीचे से चलते हैं ऊपर। ये कहाँ है ना, येलो कलर की लेम्बोर्गिनी। तो भाई सबसे प्यारा कलर है भाई, भाई सबसे प्यारा कलर है। सारी जितनी भी लॉन्गेस्ट व्हीकल हैं, जितनी भी लंबी गए हैं ना गाड़ियाँ, वो सारी एक सीरीज में खड़ी हुई हैं, जो कि इस साइड में है, जो कि ग्राउंड फ्लोर पे है। तो अभी हम लोग जाने वाले हैं ऊपर, तो अभी हम लोग ऊपर चलते हैं, लेट्स। तो बस ट्रांसपोर्ट ऑफ इंडिया के करीब में साइड में आ चुके हैं। तो जो भी ये यहाँ पे जितनी भी व्हीकल्स दिख रही हैं, टाटा की हैं, वॉक्स वैगन की हैं, जीप की हैं, आइसर की हैं, तो ये सब 19th सेंचुरी, ये सारी की सारी जो व्हीकल्स हैं जो 19th सेंचुरी की हैं, जैसा कि आप सब लोग देख सकते हैं, सारी की सारी व्हीकल्स जितनी भी हैं सब सबकी सब 19th सेंचुरी की हैं। ये भी खड़ी, एक ये सामने है और एक इस साइड में, जो कि पैसेंजर व्हीकल्स हैं, सारी के सारे पैसेंजर व्हीकल्स हैं। एक ये सामने है, सामने जीप की है, उधर वॉक्स वैगन की है। तो अभी हम लोग आ चुके हैं 2 व्हीकल्स के पास में। तो सबसे पहले मुझे दिखी रॉयल इनफील्ड, जो कि हम लोग भी चलाते हैं अपने पास। तो नंबर ऑफ़ वेराइटीज़ हैं यहाँ पर 2 व्हीलर की, जो रॉयल इनफील्ड की नंबर ऑफ़ वेराइटीज़ हैं, जैसे कि ये सारी रॉयल इनफील्ड की हैं और नंबर ऑफ़ वेराइटीज़ हैं, कुछ चेंजेस हैं, किस दूसरे तरीके की है, कोई दूसरे तरीके की है, किसी में दूसरी टेक्नोलॉजी लगी हुई, किसी का डिफरेंट तरीके का है। तो ये जैसे जावा है, ठीक है, तो राजदूत है, पीछे वाली हमारी राजदूत है, ठीक है, इसके पीछे भी राजदूत थी, और उसके जो सबसे फर्स्ट में दिखाया था वो क्या थी, रॉयल इनफील्ड थी। तो अभी और भी है, सबसे और आगे हम लोग देखने वाले हैं। तो एक ये है देखिए, जो कि इसको अलग तरीके से बनाया गया है, जो हमारा बजाज है इसको कल ये लिखा, जो कि है बनाया गया इस तरीके, इसको एक अलग से लाइटें दी गई हैं, इसको इतना बेहतरीन दिखाने के लिए इसको अलग से बनाया गया है। और ये जो सामने गाड़ी खड़ी हुई है रॉयल इनफील्ड 350 क्लासिक, ये भाई साहब रॉयल इनफील्ड ने म्यूजियम को गिफ्ट करके दिया हुआ है। तो ये इकलौता एक ऐसा मॉडल है जो सिर्फ और सिर्फ म्यूजियम के लिए बनाया गया है, और ये आपको कभी भी बाहर आप नहीं खरीद सकते हैं, जो कि क्रिस्टल स्ट्रक्चर के फॉर्म में बनाया गया हुआ है, बनाया हुआ। और ये सिर्फ और सिर्फ आप देख सकते हैं कहाँ, आप मेरे यूट्यूब चैनल में, या तो आप तावरू आइए, तावरू में आप म्यूजियम में देखिए इसको। भाई एक और यहाँ पर एक और व्हीकल दिखी, जो कि कौन सी थी, हार्ले डेविडसन, ये सामने, जो कि सबसे बेहतरीन व्हीकल है जो कि सामने आपके खड़ी हुई है, और जो कि अरे यार ब्लैक कलर की है, एकदम बेहतरीन चीज लग रही है। तो यहाँ का जो स्टाफ है ना भाई, एक नंबर वन का स्टाफ है, और मुझे यहाँ पर आने के बाद में बहुत अच्छा महसूस हुआ। इन लोगों ने मुझे इतना ज़्यादा सपोर्ट किया, बहुत सारी चीज़ें इन लोगों ने मुझे बताई, तो मैं एक बार धन्यवाद देना चाहता हूँ सारे स्टाफ मेंबर्स को, जो म्यूज़ियम की रखवाली करते हैं, जो म्यूज़ियम की देखभाल करते हैं। अभी ये है हमारा वाइया, इसको हम एक तरीके से क्या बोल सकते हैं, हेलीकॉप्टर बोलते हैं, तो ये इस तरीके से जेट नहीं, इसको बोल सकते हैं। हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़े वहाँ पर, तो उसके बाद में हमको ये दिखी, जो कि नॉर्मल भाषा में हम लोग गांव की भाषा में बोलते हैं कि, जो कि बैलगाड़ी में यूज होता था, जो कि ये हमारा इसको बोलते हैं इक्का, जो कि नॉर्थ इंडिया की जो है, ये 20वीं सदी की जो चीज़ें हैं जो यहाँ पर रखी हुई हैं, जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से इसको रखा गया है, जो कि इसको हम यूज करते थे। और जैसे ही हम लोग आगे चलेंगे, इसका डेवलपमेंट कैसे हुआ, तो पहले हम लोगों का इस तरीके की गाड़ियाँ होती थी, उसके बाद में कुछ थोड़ा सा डेवलपमेंट हुआ जो कि इस तरीके की हुई, जो इसका नाम रखा गया बहाल, ठीक है। और उसके बाद में थोड़ा सा और डेवलपमेंट हुआ तो इस तरीके का हुआ,
और फिर थोड़ा सा जब और डेवलपमेंट हुआ, जैसे हम लोग और आगे बढ़ते गए 20th सेंचुरी से 21st सेंचुरी में आए, तो कुछ और भी चीज़ें हुई। अभी हम लोग नहीं कहते हैं कि गांव में जैसे लाइफ ऑन स्ट्रीट की गलियों की हमारी ज़िंदगी कैसी होती थी, तो उस तरीके के हैं। यहाँ पर सारे फ़ोटो लगाए गए हैं, तो मैं सबसे पहले फ़ोटो दिखाता चल के हूँ कि यहाँ पर कैसे होता था। तो ये हमारा कल्चर है जो कि इस तरीके से पहले इस तरीके से होता था, जो कि हमारी स्ट्रीट की गलियाँ दिखाया गया है। ये इस तरीके से है, ये सारे फ़ोटो आर्ट गैलरी लगाई गई है यहाँ पर, एक तरीके से आर्ट गैलरी को ही बनाया गया है। तो ये काफ़ी चीज़ें हैं जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से दिखाया गया है, एक एक सीक्वेंस ये लगाया गया है जो कि यहाँ पे दिखता है, जो हमारा कल्चर होता था, जो बाज़ार का कल्चर होता था। जैसे इसमें यहाँ पे मेंशन भी कर रखा है इन लोगों ने कि ये हमारा बाज़ार का कल्चर है, ठीक है। और ये हॉल हैं यहाँ पर, जो चीज़ें हैं जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की हैं, जो कि यहाँ पर दिखाई गई चीज़ें हैं और यहाँ पर रखी हुई हैं सामने। जैसे ये यहाँ पर लिखा है इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो इस तरीके के जो पोत हमारे पानी में यूज होती थी, जो जिसको पहले इस तरीके से होती थी, ठीक है, उसके बाद में कुछ डेवलपमेंट किया गया तो इस तरीके की हुई, फिर कुछ इस तरीके से। तो इसी तरीके से इसमें लिखा भी है इंडस वैली सिविलाइजेशन, वैदिक एज, मौर्य पीरियड, तो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, कुशन पीरियड। तो जैसे ही डेवलपमेंट होता गया हमारा, वैसे ही चीज़ें हमारी और भी डेवलप होती गई, तो उस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से। तो जैसा, और सबसे बड़ा जो यहाँ का जो रखा हुआ है, तो सबसे ज़्यादा इधर है, मैं सामने दिखाने वाला हूँ, और ये आपको दिख रहा है, ये जो कि ऐसे ही रखा गया है, इस पे रखा नहीं, लटकाया गया है, जो कि इसमें स्टिक के सहारे से। म्यूजियम, जो म्यूजियम के अंदर आए हम लोग, तो कुछ जुगाड़ वाली चीज़ें नहीं बोलते इसे, जुगाड़ वाली चीज़ें, तो ये जुगाड़ वाली चीज़ दिखी मुझे, जिसमें इस पे हम लोगों ने सवारी भी कर रखी है, तो ये है। उसके बाद में एक लास्ट पीढ़ी की थी, जो अब ये नहीं दिखता है रोड पे, तो इस तरीके की जो चीज़ें थी, इस तरीके की सवारी भी हम लोगों ने कर रखी है। लेकिन अब हम लोगों की जनरेशन के बाद में जो न्यू जनरेशन आ रही है ना, वो इस जैसे जो इसको हम लोग टेम्पो बोलते थे, तो इसमें अब सवारी करने को नहीं मिलने वाली, क्योंकि ये कम्प्लीटली बंद हो चुके हैं और ये अब हमको नहीं। तो ये सिर्फ देखने के लिए आपको म्यूजियम में ही आना पड़ेगा, तो तभी आप इसको देख सकते हैं, या तो फिर हमारे यूट्यूब चैनल पे आप देख सकते हैं। तो और भी हैं जो चीज़ें जुगाड़ के तरीके से बनाई गई हैं, जो कि है मोटरसाइकिल, लेकिन उसके बाद में इसको क्या क्या जुगाड़ से हम लोगों ने इसको बना के रखा है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो कि दिखी हम लोगों को, जो कि बहुत अच्छा लगा आज यहाँ पर आने के बाद। और मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तो अभी भी नई कोई भी अच्छी सी जगह, नया प्लेस जो भी अच्छा लगेगा, तो अभी हम लोग मिलते हैं आप लोगों को। धन्यवाद, बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ में। आप सभी का स्वागत है।